नमस्कार दर्शकों, आज हम बेबी मूवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेबी मूवमेंट्स क्या है, क्या नॉर्मल है, क्या नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स के इसके बारे में सवाल होते हैं। तो बेबी मूवमेंट्स के बारे में आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए जिसमें सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएँ। बेबी मूवमेंट्स बच्चे की किक मूवमेंट्स होती हैं। जो भी जो लेडी प्रेग्नेंट है उसके पेट में जो बच्चा होता है वह किक करता है, बच्चेदानी के अंदर अपनी जो टांग मारता है वह लेडी को महसूस होती है, उसको बेबी मूवमेंट्स कही जाती हैं। कई बारी बच्चा पूरा पूरा भी घूमता है, वह भी बेबी मूवमेंट ही होती है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि कब बेबी मूवमेंट फील होनी चाहिए। जो भी लेडी है जिसका पहला बच्चा है उसको बेबी मूवमेंट जो है वह थोड़ी लेट महसूस होती है, यानी कि 22 हफ्ते पे बेबी मूवमेंट्स फील होने लग जाती हैं। जो लेडी का सेकंड बच्चा होता है यानी वह एक्सपीरियंस्ड होती है, उसको पहले से एक्सपीरियंस होता है कि बेबी मूवमेंट कैसी होती हैं, तो उसको जो है 18-19 हफ्ते पे भी बेबी मूवमेंट्स फील होने लग जाती हैं। तो जिनको जल्दी महसूस हो रही हैं इसका मतलब है कि उनको पहले से तजुर्बा है, इस करके उनको मूवमेंट्स जल्दी फील हो रही हैं। मगर अगर 22 हफ्ते तक भी मूवमेंट्स फील ना हो तो उसको लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनकी जो बॉडी में परसेप्शन है वह थोड़ी सी अलग होती है। अब वर्किंग लेडीज़ और जो लेडीज़ घर पर रहती हैं उनमें भी फ़र्क होता है। जो लेडी पूरा दिन फ्री रहती है उसको मूवमेंट्स ज़्यादा फील होती हैं, वेयरएज जो लेडी सारा दिन अपने कामकाज में बिजी रहती है उसको मूवमेंट्स कम फील होती हैं। पेट में जो चर्बी है या ओबिसिटी है उसके कारण भी मेबी मूवमेंट्स का फ़र्क होता है, यानी कि बच्चे ने अंदर किक मारी मगर पेट में बहुत सारी चर्बी है तो लेडी को कई बारी वो महसूस नहीं होती है। तो जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको भी बेबी मूवमेंट्स लेट फील होती हैं और उनको बेबी मूवमेंट्स उतनी ज़्यादा अच्छे से परसीव नहीं होती। अब बेबी मूवमेंट्स जो हैं वह हम पेशेंट्स को काउंट करने के लिए भी बोलते हैं, जिसको बोला जाता है डेली फीटल मूवमेंट काउंट। अब जब डॉक्टर जो है वो लेडी के साथ 24 घंटे तक चल नहीं सकता, वह पेशेंट जो है वह अपने घर में अपने बेबी का खुद ख्याल रखता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप जो है बेबी मूवमेंट्स को काउंट कीजिए। तो जब बेबी मूवमेंट्स अच्छी सिग्निफिकेंट इस्टेब्लिश हो गई होती हैं तो हम पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने पूरे दिन में अपने बेबी की मूवमेंट्स काउंट करनी है, और अगर आपके बेबी की मूवमेंट्स 10 तक हो जाती हैं तो वह ठीक है। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको बेबी मूवमेंट्स को लेकर सीरियसनेस नहीं होती, क्योंकि अगर बेबी अंदर हिलता नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वह ठीक है कि नहीं। तो कुछ पेशेंट्स को जो डॉक्टर जब गाइड करते हैं कि नहीं आपने अपनी बेबी मूवमेंट्स काउंट करनी है, जो बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, यानी कि जैसे कि बेबी मूवमेंट काउंट करने का क्या तरीका है कि मान लीजिए अब हम सुबह उठे, हमने नहा धो लिया, हमने नाश्ता कर लिया और अब हम बैठ गए और हमने बेबी मूवमेंट्स जो हैं वह काउंट करनी शुरू कर दी, तो जब 10 मूवमेंट हो गई इसका मतलब है कि बेबी ठीक है। अब कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम पूरा दिन तो बेबी घूमता नहीं है, बीच बीच में बेबी मूवमेंट फील होनी बिल्कुल बंद हो जाती है तो हमें चिंता हो जाती है। तो इस बात का जवाब ये है कि हमने पूरे दिन में काउंट करना है, हमने ऐसे नहीं देखना कि अब हो रही है अब नहीं हो रही है, क्योंकि बीच बीच में जो बेबी है वह मूवमेंट नहीं करता, वह सो जाता है और इस करके उसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी परसीव नहीं होती है। अब जो है बेबी मूवमेंट्स शुरू शुरू में कैसी लगती हैं। अब शुरू शुरू में पेशेंट्स कहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि बेबी मूवमेंट कैसी होती है और हमें आप बताइए कि बेबी मूवमेंट, तो जैसे कोई दीवार पे या डोर पे खटखटाता है तो ऐसे टक टक जैसी पल्सेशन होती है वह बेबी मूवमेंट जैसी होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये बेबी मूवमेंट है। धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा जब बेबी अंदर हिलता है, और कई जो बहुत पतले पेशेंट होते हैं उनके अगर आप पेट पे देखिए तो आपको बेबी का हिलना नज़र आता है कि ये जो बेबी है ये मूव कर रहा है। अब बेबी मूवमेंट्स के लिए कई बार पेशेंट्स का हमें कॉल आते हैं कि मैम बेबी नहीं हिल रहा अब हम क्या करें, तो इसमें दो तरीके हैं। सबसे पहला जो होता है हम पेशेंट को बोलते हैं कि जब आपको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रही तो आप कुछ हाई कैलोरी फूड खाएं, यानी कि जैसे कि कुछ ग्लूकोज का पानी या कुछ ऐसा लिक्विड लें जिसमें हाई कैलोरी ड्रिंक है, उसको पीने से जो है कई बार बेबी मूवमेंट सही हो जाती है। मगर अगर उसके बावजूद भी बेबी मूवमेंट्स परसीव नहीं हो रही तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, इसके लिए पेशेंट को डॉक्टर के पास आना चाहिए। डॉक्टर बच्चे की धड़कन चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और फिर उससे पता चलेगा कि अंदर कुछ मसला तो नहीं है। तो सबसे पहला जो साइन है अंदर बेबी ठीक है या नहीं का वो है बेबी मूवमेंट, और जिसको एक मदर ही बहुत अच्छे से परसीव कर सकती है। अगर आपके बेबी मूवमेंट पैटर्न में कुछ भी फ़र्क है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
एक और चीज़ होती है कि पेशेंट्स कहते हैं कि मैम पहले तो बच्चा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, अब उतना नहीं हिलता, अब कम हिलता है। तो ये पैटर्न में चेंज कैसे होता है कि शुरू शुरू में जो बच्चा है, एक तो शुरू शुरू में जो बेबी है उसकी मूवमेंट तो जैसे हमने बताया कि पल्सेशन जैसी होती है 22-23-24 हफ्ते तक, उसके बाद 24 से लेकर 30 हफ्ते तक बेबी मूवमेंट काफ़ी फील होती है क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा होता है, उसके आसपास काफ़ी पानी होता है और उसके पास स्विम या घूमने के लिए काफ़ी सारी स्पेस होती है, तो वो अच्छे से पूरा पूरा घूमता है और बेबी मूवमेंट्स काफ़ी होती है। 30 वीक्स के बाद जो है बेबी मूवमेंट्स थोड़ी हल्की फुल्की कम महसूस होने लगती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उसके बाद जो है बेबी के आसपास थोड़ा पानी रिलेटिवली कम हो जाता है पहले से, और जो बेबी को अपने घूमने के लिए स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, तो बेबी की मूवमेंट्स जो है वो धीरे 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 जैसे जैसे टर्म आता है हल्की फुल्की कम होती हैं, मगर फिर भी जो चेक पॉइंट है वो ये है कि एक दिन में 10 से ज़्यादा मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कहता है कि नहीं मेरी बेबी मूवमेंट्स पहले से कम हो रही हैं और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें एक चीज़ आती है कि बेबी के आसपास थोड़ा वो पानी कम होता है, तो बेबी के आसपास पानी कम होने से उसको स्विम करने के लिए जगह ना मिलने के कारण भी जो है, और बेबी के आसपास जो पानी कम होना है वह हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। पहले इतना कॉमन नहीं था कि बेबी के आसपास पानी कम हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा लेडीज़ में होने लगा है। अब किस चीज़ के कारण है ये तो एकदम से नहीं कह सकते, पर जो बेबी के आसपास पानी कम होना है जिसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोज़ कहते हैं वह हम आजकल काफ़ी देखते हैं। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें पता हो कि नॉर्मल क्या है तभी हम जो है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो भी आपके पास उस टाइम के रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।